टुक टुक टॉक शो देखने वाले सभी दोस्तों को विश्वजीत सोनी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हमारे सामने है जिन पे लड़कियां आज भी है मरती, जिन पे लड़कियां आज भी है मरती, हमारे सामने है मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन दा, टुक टुक टॉक शो में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। आप सबको ये पता है कि इनका नाम है मिथुन चक्रवर्ती, लेकिन इनका असली नाम है गौरंग चक्रवर्ती। अपुन का पोल खोलेगा ना तो चलेगा, लेकिन अगर अपुन के नाम का पोल खोलेगा तो तेरे नाम का अपुन पालेगा। आगे तो समझदार है, समझ गया होगा। मिथुन दा, ये बताइए आपकी पहली मूवी कौन सी थी? मुझे एक फिल्म में अवार्ड मिला था। आपको अवार्ड ही नहीं, नेशनल अवार्ड मिला था उस मूवी में। तो आप दर्शकों को बताएं आपकी पहली मूवी कौन सी थी। लेकिन मैं उस फिल्म का नाम लेने जाऊंगा, वो फिल्म है, लेकिन इससे पहले मेरी एक फिल्म थी दो अनजाने, जिसमें मैंने बच्चन साहब के साथ एक जूनियर आर्टिस्ट का रोल किया था। क्या? हाँ हाँ, आपने दो अनजाने में भी काम किया, लेकिन जिस मूवी में आपको नेशनल अवार्ड मिला था वो मूवी कौन सी थी, आप दर्शकों को बताएं। जिस फिल्म में मुझे अवार्ड मिला था उस फिल्म का नाम है, लेकिन इससे पहले मैं तुझे एक बात और बता दूं। फूल खिले गुलशन गुलशन मेरी एक फिल्म आई थी, जिसमें मैं ऋषि कपूर के पीछे डांस कर रहा हूं और गाने के बोलते मन्नू भाई मोटर चली पॉम 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 कोई शक। आपकी मूवी का नाम बताएं, पहली मूवी कौन सी थी आपकी? ए जास्ती भंग कसना है, पब्लिक के पास टाइम नहीं है। क्या नहीं है? अरे टाइम नहीं है पब्लिक के पास, समझा क्या? अच्छा, आपकी पहली मूवी कौन सी थी बता दें, प्लीज बता दें आप। हाँ, मैं वही बोलने जा रहा हूं, जिस फिल्म में मुझे अवार्ड मिला था उस फिल्म का नाम है मिर्गिया। मिर्गिया में मुझे अवार्ड मिला था, कोई शक? अच्छा, मिर्गिया, आपकी पहली मूवी का नाम था मिर्गिया। और एक मेरी फिल्म आई जिसके डायरेक्टर थे रविकांत नगाइच, फिल्म का नाम था सुरक्षा। लेकिन इससे पहले मेरी और एक फिल्म आई थी जिसमें मैंने एक बकरे के साथ काम किया था। मेरे पास कोई सपोर्टिंग एक्टर नहीं था उस वक्त, बच्चन साहब के साथ विनोद खन्ना, किसी के साथ विनोद मेहरा, तो किसी के साथ शत्रुघ्न सिन्हा, लेकिन मैं एक लौता एक्टर था, मेरे पास कोई सपोर्टिंग एक्टर नहीं था, तो मैंने सपोर्टिंग में एक बकरे को ले लिया और उस फिल्म का नाम था मेरा रक्षक, समझा क्या? कोई शक? और मैं बोलना चाहूंगा, गन मास्टर G9 के बाद मेरे पास फिल्मों की लाइन लग गई। अच्छा, तो आप मानते हैं कि आप बहुत बड़े स्टार हैं? अरे ये आसमान है ना, उसमें कितने सारे स्टार हैं, लेकिन चमकते तो दो चार ही है, ज्यादा नहीं। वैसा ही धरती पे जितने भी स्टार हैं,
जितने स्टार चमकते हैं उसमें से एक स्टार ये भी चमकता है, कोई शक। अगर मैं स्टार नहीं होता तो या तू मुझे इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाता। अरे तूने कभी हाथ गाड़ी चलाने वाले का इंटरव्यू लिया है? कभी तूने कार साफ करने वाले का इंटरव्यू लिया है? नहीं लिया। अरे तूने कभी बूट पॉलिश करने वाले का इंटरव्यू लिया है? नहीं लिया है। लेकिन आज तू मेरा इंटरव्यू ले रहा है, इसका मतलब तू समझ जा अपन स्टार है स्टार। और अपन की एक पिक्चर आई डिस्को डांसर डांस डांस, अरे उसमें अपन डिस्को डांसर और डांसर बन गया। फिर प्यार झुकता नहीं, कोई शक। वो ऐसा हुआ कि जब मेरी डिस्को डांसर आई तो मैंने सोचा क्या मुझे स्टार बनना है, और मैंने पब्लिक को डांस दिखाया और उनका मूड चेंज किया। फिर किया डांस डांस, उसमें मैंने कुछ अलग डांस दिखाया, ऐसे वाला। ज्यादा मेहनत नहीं की मैंने। और उसके बाद एक फिल्म आई प्यार झुकता नहीं। अबे दलाल भी की मैंने, काफी मूवीज में काम किया है, कोई शक। और एक बात, ये जो आप बार बार कहते हो कोई शक कोई शक कोई शक कोई शक, तो ये किस मूवी का डायलॉग था? आज की जनरेशन को नहीं पता है, प्लीज जरा वो बता दें। उस फिल्म के नाम पे आ रहा हूं मैं। अरे तू जानना चाहता है ना ये कोई शक किस मूवी का डायलॉग है? अरे तो कोई शक एक मेरी मूवी आई थी 1985 में, जिसका नाम था गुलामी, कोई शक। प्लीज मिथुन दा, ये कोई शक जो आप बोलते हो मैं वो पूछ रहा हूं किस मूवी का डायलॉग था, वो बताएं। ये उसी मूवी का डायलॉग था, कोई शक। आओ गुलामी मूवी, हाँ मैंने देखी है कई बार। उसमें आपकी एंट्री 1.25 घंटे के बाद होती है, लेकिन जब भी आपकी एंट्री होती है कोई शक वाली, तो बस आप ही छा गए, उसमें कोई शक नहीं है। चल अभी बहुत हो गया तेरा इंटरव्यू, चल बादशाह बंद कर तेरा ये इंटरव्यू। पब्लिक के पास भी ज्यादा टाइम नहीं है और अपन के पास भी ज्यादा टाइम नहीं है। क्या नहीं है? टाइम नहीं है। मिथुन दा जी, आज आप हमारे टुक टुक टॉक शो में आए, हमें बहुत अच्छा लगा और मजा आया आपके साथ बातें करके। अरे कोई शक। तो दोस्तों, आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।